प्रदेश के इंदौर से है। 35 लोगों की जान जा चुकी है, सवाल फिर वही, आखिर 35 लोगों की जान जाने का जिम्मेदार कौन है? मध्य प्रदेश के इंदौर में जहां रामनवमी की धूम कल देखी जा रही थी, वहीं ये खुशियां मातम में तब्दील हो गई। इंदौर हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट आप जानिए। मंदिर की बावड़ी में गिरने से 35 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं और सबसे ज्यादा दुखद और चिंता वाली बात यह है कि अभी भी कई लोग लापता हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन यहाँ चल रहा है, सर्च अभियान जारी है उन लोगों को ढूंढने के लिए जो लापता है। अभी भी जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद जारी है। अब तक 18 लोगों को सुरक्षित यहां से रेस्क्यू किया गया, 18 लोग तो बचा लिए गए, जिन्हें हल्की फुल्की चोट आई अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 35 ऐसे लोग हैं जिनकी जान नहीं बच सकी है। और ये जो मरने वालों का आंकड़ा है ये बढ़ सकता है, क्योंकि धीरे धीरे कल से लेकर आज तक ये संख्या 35 तक पहुंच गई है। कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी लापता है। बावड़ी जो करीब 50 फीट गहरी बताई जा रही है, वहीं पर लोग रामनवमी के लिए पूजा करने के लिए पहुंचे हुए थे और अचानक से दीवार ढहने से, छत ढहने से लोग उसमें गिर गए। इंदौर हादसा मामले में एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। नगर निगम के नोटिस से ये बड़ा खुलासा हुआ है। मंदिर प्रबंधन को 2 महीने पहले नोटिस भेजा गया था, अवैध निर्माण को हटाने को लेकर ये नोटिस भेजा गया था। 2 महीने पहले भी निगम ने नोटिस भेजा था। ऐसी जानकारी है कि निगम ने बताया था कि अवैध निर्माण जो है उसे हटा लिया जाए, लेकिन मंदिर प्रशासन ने इस तरफ कोई सुनवाई नहीं की। नगर निगम की तरफ से 2 महीने पहले नोटिस करके बताया गया था कि अवैध निर्माण को लेकर एक्शन ले लिया जाए, और अगर हो सकता है कि कुछ एक्शन मंदिर प्रशासन की तरफ से पहले लिया होता तो आज इतनी जाने नहीं जाती। 2 महीने पहले इस नोटिस को मिलने के बावजूद मंदिर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं। ये रामनवमी का कल का दिन जब देश भर में रौनक और धूम थी रामनवमी की, तभी मध्य प्रदेश के इंदौर में ये खुशियां मातम में कैसे तब्दील हो गई, कैसे अफरा तफरी मच गई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए अभी भी उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश है जिनके बारे में जानकारी कुछ मिल नहीं पाई है। मंदिर प्रबंधन को 2 महीने पहले नोटिस दिया, आंखें बंद रखी नोटिस पर, और उसका नतीजा फिर ये कि 35 लोगों की जान जा चुकी है। इंदौर हादसे को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है मुआवजे का। पहले कहा था कि सर्च ऑपरेशन जिस तरीके से चल रहा है उसमें तेजी लाई जाए और पूरे घटनाक्रम पर मैं नजर बनाए हुए हूँ। फिर कहने लगे, बहुत दुखद ये है इतने लोगों की जान चले जाना। जो मृतक हैं उनके परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो घायल लोग अस्पताल में हैं उनका इलाज का खर्च भी पूरी तरह से सरकार ही उठाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। इंदौर हादसे में अब तक 35 लोगों की जान जा चुकी है। मंदिर के बाहर में इस वक्त मौजूद हूं जहां पर कि हादसा हुआ है। 50 फीट गहरा कुआं था जिसकी दीवार धस जाने से 25 लोग उस कुएं के अंदर डूब गए थे। अब तक जो इनपुट्स मिल रहे हैं वो ये हैं कि 5 लोगों को फिलहाल रेस्क्यू किया जा चुका है और अभी फिलहाल ये फिगर 7 का हो चुका है। और साथ ही साथ अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ एम्बुलेंस के अंदर कुछ और लोगों को लाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन फुल स्विंग में लगातार चल रहा है। पीछे पीछे ये मंदिर के प्रीमाइसेस की तरफ अगर हम तस्वीरें देखते हैं, एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है यहाँ पर, प्रशासनिक अमला, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के लिए निर्देश दिए हैं। पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ मौजूद है और लगातार यहाँ कोशिश ये की जा रही है कि उस हादसे के अंदर जितने लोग दबे हैं उन्हें निकाला जाए। इस मंदिर प्रमाइसिस में अंदर जेसीबीज भी पहुंच चुकी हैं। पूरे प्रमाइसिस के बाहर जो बाउंड्री वॉल थी उन्हें तोड़कर जेसीबीज अंदर पहुंची थी और अभी फिलहाल स्थिति कुछ इस तरीके से नजर आ रही है कि यहाँ एम्बुलेंस आप सामने ही देख सकते हैं, ये एम्बुलेंस मेरे सामने नजर आ रही है। यहाँ लगातार फिलहाल ये कोशिश नहीं की जा रही है, कोशिश इस बात की है कि जितने लोग फंसे हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। परिजन जो है वो इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। रामनवमी का दिन लोग त्यौहार मनाने के लिए मंदिर मंदिर पहुंच रहे थे, खुशियों का दिन था, लेकिन इंदौर में एक ऐसा हादसा जिसने सबको हिला कर रख दिया। इंदौर के पटेल नगर के इसी महादेव मंदिर में एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें तकरीबन 40 से 45 लोग यहां बने हुए एक कुएं, जिसे बावड़ी भी कहा जाता है, उसके ऊपर का जो पोर्शन था वो धस गया, जिसके चलते तकरीबन 30 से ज़्यादा लोग नीचे कुएं में गिर गए। रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधे निर्देश दिए थे, पल पल की रिपोर्ट ली और रेस्क्यू ऑपरेशन
तकरीबन 5 घंटे तक चला। उस रेस्क्यू ऑपरेशन में 18 लोगों को निकाला गया। उसके बाद धीरे धीरे आस कम होती गई। निश्चित रूप से वक्त जैसे जैसे गुजरता जा रहा था, लोगों की बचने की उम्मीद कम थी। एक दर्जन से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, लेकिन वहीं तकरीबन 18 लोगों को इस हादसे से बचाया जा सका। इस हादसे के पीछे कितने कारण रहे, किसकी नेगलिजेंस रही, किसकी लापरवाही रही, ये जांच का विषय है। जिस मामले के अंदर मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। अभी तक जो अपडेट मिल रही है कि अब भी यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन तो बंद हो चुका है, लेकिन इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और इस सर्च ऑपरेशन में आप देख सकते हैं कि लगातार मशक्कत अब भी की जा रही है। उस कुएं का पानी पूरी तरीके से ड्रेन आउट करके बाहर निकाला जा रहा है, ताकि ये पूरा पानी निकलने के बाद में यदि इसमें किसी और के फंसे होने की संभावना हो तो उन्हें भी निकाला जा सके। ग्राउंड जीरो पर इंडिया न्यूज की टीम लगातार मौजूद रही है, और जिस वक्त यह हादसा हुआ तब से लेकर रात तक ये रिपोर्टिंग जारी रही। एहतियाब शेख एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं आज ताजा अपडेट के साथ। एहतियाब, हालांकि बेहद दुखद है, 35 लोगों की जान अब तक जा चुकी है, कितने लोग एग्जैक्टली लापता हैं जिनके परिजन अभी भी इंतजार कर रहे हैं उनकी खबर का? रचना, अभी फिलहाल The rescue operation had been stopped. Right now, the search operation is still going on. यानी इस वक्त सर्च ऑपरेशन अब तक चल रहा है। रचना, लगभग 22 घंटे का वक्फा हो चुका है जब से यह सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। इस सर्च ऑपरेशन में अभी ये बताया जा रहा है, जो लेटेस्ट अपडेट मेरे पास में है, कि 35 लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं इस हादसे में। एक मिसिंग पर्सन है सुनील सोलंकी, जिनकी की अभी फिलहाल तलाश की जा रही है। 75 जवान आर्मी के यहाँ आप सामने देख सकते हैं कि तैनात है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम मौजूद है, जिला प्रशासन का पूरा अमला मौजूद है, साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। रचना, आपको ध्यान होगा कि कल जिस वक्त हम यहाँ रिपोर्ट कर रहे थे, यहाँ एक दीवार हुआ करती है, तो एग्जैक्टली इस दीवार के पीछे वो पावड़ी थी जहां पर यह हादसा हुआ था। इस पूरे इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो उसमें ये देखने में आता है कि तकरीबन 50 से 60 लोग उस बावड़ी के ऊपर मौजूद थे जिस वक्त यह हादसा हुआ। 18 लोग इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। 21 लोगों को रेस्क्यू करके अस्पताल भेजा गया था, जिनमें से 3 लोग अपनी जिंदगी अस्पताल में गंवा चुके हैं। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हालात बने रहे, खुशियों को मातम में बदलते वक्त नहीं लगा, लेकिन अब भी आप देख सकते हैं कि सर्च लगातार जारी है। टीमें लगातार कोशिश कर रही हैं। बहुत सारे हिंड्रेंसेस सामने आए थे, बहुत सारी मुश्किलात सामने आई थी, क्योंकि ये पहले जहाँ ये दीवार हुआ करती थी जब रेस्क्यू कर रहे थे, उस वक्त इस दीवार को तोड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि रेस्क्यू जीवित लोगों का करना था। अभी अंदर अगर थोड़ा विजुअल देख सकते हैं तो वहाँ आप वेल्डिंग और कटर्स के जरिए भी वहाँ इस बावड़ी में जो लोहा है, जो सरिये हैं, उन्हें काटा जा रहा है। रात भर यहाँ पर पानी को ड्रेन किया गया, क्योंकि तकरीबन इस 50 फीट के कुएं में 12 फीट का पानी था। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए जिस तरीके से पानी को पूरा ड्रेन किया गया था। पूरी रात ये एक्सरसाइज चलती रही, क्योंकि पानी जितना कम, उसमें सीपेज भी होता जा रहा था, जिधर पानी खाली कर रहे थे साथ के साथ सीपेज शुरू हो जाता था और पानी फिर भर जाता था। पूरी रात से ये मशक्कत लगातार चल रही, और अब भी रचना ये सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि अब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, लेकिन सर्च अभियान अभी भी जारी है। और आपने जैसे बताया 35 लोगों की जान जा चुकी है, एक शख्स अभी भी लापता है। एहतियाब, आप रहिए हमारे साथ। इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर के लिए रवाना हो गए हैं। हादसे का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री अब निकले हैं, अस्पताल में घायलों और परिजनों से मुलाकात भी करेंगे। शिवराज के साथ नरोत्तम मिश्रा भी इंदौर जा रहे हैं। जैसे ही हादसे की खबर आई थी, शिवराज सिंह चौहान ने कहा था रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आए, फिर मुआवजे का ऐलान किया गया। हादसा इतना बड़ा है, मुख्यमंत्री खुद रवाना हो गए हैं इंदौर के लिए और घायलों से मिलेंगे, उनके परिजनों से मिलेंगे। ऐसी कई तस्वीरें एक के बाद एक सामने आई हैं जो बेहद दुखद है, बेहद दुख देने वाली हैं। 6 तस्वीरें आप देख लीजिए। एहतियात ने बताया जो कुंड था, ये जो बावड़ी थी जो 50 फीट गहरी थी, वहां से पानी को रात भर ड्रेन किया गया, निकाला गया, ताकि पानी हटे तो ये साफ हो पाए कि कोई और अंदर फंसा तो नहीं है। किस तरीके से मशक्कत रात भर रही है, कैसे वहां पर जो लोहे के सरिये हैं उन्हें काटने की कोशिश हो रही है, वहां पर लगातार कटर के जरिए लोगों को वहां से निकालने की कोशिश है। हालांकि अभी सिर्फ एक लापता शख्स की जानकारी मिल रही है, 35 की जान जा चुकी है और जो जख्मी है वो अस्पताल में भर्ती है। एहतियात, खबर यह भी है कि 2 महीने पहले नोटिस दिया गया था नगर निगम की तरफ से मंदिर प्रशासन को अवैध निर्माण को लेकर। क्या ये अवैध निर्माण, ये बावड़ी के ऊपर वाली ही छत थी क्या?
बिल्कुल निश्चित ही 2 महीने पहले ही अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम की तरफ से मंदिर प्रशासन को ये नोटिस दिया गया था और साथ ही साथ ये चिंता जताई गई थी कि ये अतिक्रमण घातक हो सकता है। जाहिर सी बात है कि एक घोर नेग्लिजेंस जैसे हम कह सकते हैं, लापरवाही कह सकते हैं। और रचना कल भी हम इस बात को बार बार दोहरा रहे थे कि यह हादसा किसी अंदेशे की वजह से नहीं हुआ, ये नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। क्योंकि जब बावड़ी का छत जो जिस प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है जो धस गया था वो कमजोर था, उस पर 50-55 लोगों का चढ़ जाना कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस ये कहा जा सकता है। प्रशासन मंदिर प्रशासन की ओर से भी ये रहा कि मंदिर प्रशासन के लोगों ने उन्हें वहां चढ़ने से रोका नहीं और जाहिर सी बात है ये हादसा हो गया। लेकिन अब इस हादसे के बाद में मजिस्ट्रेटियल जांच का आदेश दिया जा चुका है। इस मामले में जो भी जिम्मेदार होंगे वो जिम्मेदारी तय होगी और साथ ही साथ इस पूरे मामले की तह तक जाया जाएगा। इसमें एक अपडेट और देना चाहूंगा रचना के, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी बात हुई, लगातार अपडेट कर रहे थे। केंद्र सरकार की ओर से 2 लाख रुपए का सहायता राशि मृतकों के परिवारों को देने की बात की गई है। 5 लाख की सहायता राशि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से की गई है। तो ये एक अपडेट आ रहा है और ये बताया जा रहा है कि कुछ ही देर बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। जहां तक घायलों की बात करते हैं तो रचना आलजस केक्यू अपडेट के घायलों में जितने अभी फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं वो आउट ऑफ डेंजर बताए जा रहे हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन की बात आपने बताई है, एहतियात बता रहे हैं। जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं जख्मी स्थिति में उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि खतरे की स्थिति में हो, वो सभी आउट ऑफ डेंजर हैं, खतरे से अब बाहर निकल चुके हैं, जख्मी स्थिति में है, इलाज जरूर चल रहा है। 35 की जान चली गई है, एक अभी भी लापता है। एहतियात नजर आप रखिएगा, मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, वो तस्वीरें भी आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर लगातार इंडिया न्यूज की निगाहें बनी हुई हैं। दुखद ये खबर है, 35 लोगों की जान चली गई, मुआवजे का मरहम लगाने की कोशिश जरूर हो रही है। लेकिन सवाल फिर वही, नगर निगम ने अगर नोटिस दिया था तो उस पर कार्रवाई अगर वक्त से होती तो आज 35 लोगों की जान नहीं जाती।